सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। बेल आइकन को दबाएं। लाइक करें, शेयर करें। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए देखिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है डोरा केक। तो चलिए हम सीखते हैं कि डोरा केक हम घर में कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सामान चाहिए। तो हम आपको पहले दिखा रहे हैं क्या क्या सामान हम लगा रहे हैं डोरा केक बनाने में। तो यहाँ पे देखिए, हम 1 बाउल मैदा यूज़ कर रहे हैं और ये हमने 2 स्पून मिल्क पाउडर है। या आइसिंग शुगर हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहिए तो सिंपल शुगर को भी पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। ये हनी है, ये मिल्क है हमने लिया है यहाँ पे 1 ग्लास मिल्क है, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर 1 स्पून एंड 1/2 स्पून बेकिंग सोडा। और यहाँ पे हम चॉकलेट सॉस यूज़ कर रहे हैं, ये होममेड चॉकलेट सॉस है। इसका जो है रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हम होममेड चॉकलेट सॉस बनाते हैं। इसको हमें डोरा केक में लगाना है, बीच में फिल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम इसका बैटर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे, इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम ये मैदा यूज़ करेंगे। इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसमें आइसिंग शुगर, मिल्क पाउडर, इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से हम करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको सब अच्छे से आपस में मिक्स कर देना है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके ये मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार करें। इस तरह से हम चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। इसमें इस तरह मिक्स करना है कि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। आपको इसको व्हिस्क में भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, 1 स्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया हमने इसमें। और ये हनी, ये हनी भी हमने 1 स्पून ऐड कर दिया। इसको भी इसमें मिला देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए, अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद हम इसका केक बना के आपको दिखाते हैं। हो गया, अब हम देखते हैं। तो 15 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट पे रखा था। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर, इसका टेक्स्चर एकदम सही है। अगर ये आपको थोड़ा सा ठीक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी सही है, आप ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल, जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बैटर होना चाहिए। तो बैटर हमारा सही है, तो हम इस पर गैस पे एक पैन रख दे रहे हैं। इसका टेम्परेचर बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। और आप अगर आप चाहिए तो इसमें ऑयल लगा के इसको नैपकिन पेपर से हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन हम बिना ऑयल के यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, हमने ये स्पून यूज़ कर रहे हैं, इसी स्पून से हमको डालना है एकदम सेंटर में डालते हुए इस तरह से।
इसको हमें हाथ से नहीं छूना, बस ऐसे ही डाल के इसको अपने आप स्प्रेड होने देना है, अपने आप से फैलेगा। 1½ स्पून हम डाल रहे हैं इसमें, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अपने आप ये फैल के, और इसे हमें एक ही शेप में बनाना है। तो 1½ स्पून का हमने मेजरमेंट लिया है, 1½ स्पून ही हम बनाएंगे। तो एक बार में एक बना रहे हैं, अपने आप देखिए इसको ये फैल के अपना शेप ले लिया है सर्कल में। अब इसको हम ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरह से ढक देंगे, बिल्कुल सिम टेम्परेचर करके। अपने आप इसके चारों तरफ आप देखेंगे इस तरह से बबल्स आ रहे हैं, बबल्स आने लगेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि इसके पीछे का पार्ट ये हो गया है कि नहीं हो गया है। तो 1 से 1.5 मिनट तक इसको मैं ऐसे कवर करके ऐसे पकने देंगे। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया, अब हम इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ से एयर बबल्स, देखिए इस तरह से बबल्स आ गए हैं, देखिए इस तरह से बबल्स आ गए। अभी हम इसको पलट के टर्न कर देंगे, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आया है, ब्राउन कलर। देखिए अब दूसरे साइड से भी हम इसको 1 मिनट तक का इस तरह से ढक के कवर करके बनाएंगे, और इसको हम चेक करते रहेंगे बीच में। तो इस तरह से हम ढक के 1 मिनट तक, आधे मिनट तक इसको हम बीच में देख लेंगे एक बार खोल के कि इस पे पीछे भी अच्छे से सिक हो गया है। देखिए 1 मिनट हो गया, हम चेक करते हैं, देखिए पीछे भी इसका कलर बहुत अच्छा आया है। ये देखिए इस तरह से कितना स्पॉन्जी फूल के हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए किस तरह से स्पॉन्जी फूल के हुआ है। तो इसका कलर इधर से भी बहुत अच्छा कलर आया है, पीछे से भी कलर आया है। इसी तरह से हम सारा डोरा केक बना के तैयार कर लेंगे। सर देखिए हम दूसरा भी बनाने जा रहे हैं, 1 स्पून 1½ स्पून, 1½ स्पून का हमने मेजरमेंट रखा है। तो आप जो भी बनाइएगा सब बराबर इक्वल मेजरमेंट लीजिएगा, जिसे एक बराबर से डोरा केक बने। तो हम 1½ स्पून यहाँ पे भी ले रहे हैं, इसको भी अपने आप से ही इसे फैलने देंगे, अपने आप से फैल जाएगा। इसको हम ढक के 1.5 से 2 मिनट तक का इस तरह ढकेंगे, बीच में एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि कहीं जले ना, और टेम्परेचर बिल्कुल सिम पे ही करके पकाएंगे। तो 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही ढक के बना रहे हैं। देखिए इसको भी हम पलट के देखते हैं, ये भी इधर से देखिए इस तरह से सिक गया है बहुत अच्छा, देखिए दोनों साइड से सिक गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जितना बैटर तैयार किया था उसमें से हमने 4 ये डोरा केक्स बनाए हैं। अब इसको हम देखिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में कम से कम 10 मिनट के लिए इसको हम ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसमें चॉकलेट सॉस को लगाते हैं। तो 10 मिनट हम उसको फ्रिज में ठंडा कर देते हैं, फिर हम आपको चॉकलेट सॉस लगा के इसका डेकोरेट करके आपको दिखाते हैं। तो हम इसको उठा के फ्रिज में रखते रहे, देखते हैं। अभी हमने फ्रिज से निकाला है, बिल्कुल अच्छे से कूल हो गया है, ठंडा हो गया। अब हम इस पर डेकोरेट करते हैं। तो आपने देखा हमने जितना इंग्रेडिएंट्स लिया था उससे हमें 4 पीस इस तरह से डोरा केक बनाया है। अगर आप ज़्यादा डोरा केक बनाना चाहते हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए हमने जो घर में ये चॉकलेट सॉस बनाया था इसी से हम डेकोरेट करेंगे। तो आप मार्केट से भी चॉकलेट सॉस ले सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट सॉस जानना चाहते हैं कैसे बनता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और इस तरह देखिए हमने घर में ही कोन बना के उसमें चॉकलेट सॉस को इस तरह से फिल कर लिया है, और इस तरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे, पूरा अच्छे से फिल करेंगे, क्योंकि डोरेमोन को ये चॉकलेट सॉस बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से हम इसको देखिए फिल करके डोरेमोन का फेवरेट और बच्चों का स्पेशल डिश हम तैयार कर रहे हैं, ये बच्चों को भी बहुत पसंद है डोरा केक। तो इस तरह से देखिए इस तरह पूरा फिल कर देंगे। आप चाहिए तो इस तरह से स्पून से भी लगा सकते हैं, जो हमने ये इस तरह से फिल कर सकते हैं, ऐसे फिल करके आप स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह से भर के, और ये दूसरा वाला जो है हमारा डोरा केक, इससे हम बिल्कुल ऐसे कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये डोरा केक हमारा बन के तैयार हुआ। तो इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से स्पून से पूरा फिल कर लेंगे, ये कोन से भी इस तरह से फिल कर सकते हैं, आपको जो भी मर्जी हो, आपको जो भी पसंद हो, आप उस तरह से आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, कोन से भी कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं।
अच्छे से पूरा कवर कर देना। देखिए हमने इसको भी कर दिया और इसको भी दूसरे पार्ट से इस तरह से करते हुए ये चॉकलेट को इस तरह से कवर कर दिया। आप देखिए इस तरह से हमारा ये डोरा केक बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं, तो आपने देखा हमारा डोरा केक किस तरह से बन के तैयार हो गया। तो आप भी इस तरह से आप डोरा केक बना सकते हैं और इसको अपने मनपसंद तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जिससे हम इस देखिए डोरा केक में इस पर डोरेमान का ये स्माइल करते हुए फेस बना दे रहे। इस तरह से तो आपने देखा ये डोरामेन का केक हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ। तो आप भी इस तरह से डोरामान का केक बनाइए और इन्जॉय करिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन है उसे आप ज़रूर क्लिक करिए। उस पर कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। तो आप उस बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्लिक करिए, जिससे हम जो भी नया रेसिपी डालेंगे उसका नोटिफिकेशन। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ थैंक यू।